आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 8 का ये पार्ट करेंगे। 8 का ये पार्ट है हमारा। इन फिगर गिवन बिलो एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की निकालनी है, ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि इन ट्रेपेजियम है ना डीसी इज पैरेलल टू एबी, सो देयर फोर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। को इंटीरियर एंगल होगा ये दोनों, इनका सम 180 हो गया क्योंकि डीसी पैरेलल है एबी के और बीसी जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या दिया हुआ हमें कि एंगल बी प्लस 92 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 92 और एंगल बी इक्वल टू 88 डिग्री। ये निकल कर आ गया 88 डिग्री। तो एंगल बी क्या है, एंगल बी वाई है, तो वाई इज इक्वल टू 88 डिग्री हो गया, है ना। एक आंसर तो आ गया आपका ये जो वाई की वैल्यू निकालनी थी, अब निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो देयरफॉर एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी को इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। ये दोनों तो यहां पर क्या आ जाएगा कि 2x प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस एक्स हो गया 3x प्लस 20 प्लस 10 हो गया 30 इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 माइनस 30, ठीक है, तो 3x इक्वल टू 150 और x इक्वल टू 150 अपॉन 3 ट्रांसपोज करके 3 5 15 50, एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो एक्स 50 डिग्री आ गया और वाई 88 डिग्री आ गया और यही दोनों आंसर हमें निकालने थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।